झूठ 100 बार क्या 1000 बार कहा गया हो, लेकिन यह बात नहीं बदली जा सकती है कि गोडसे ने, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी कहता था, वो एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यह सत्य नहीं बदला जा सकता है। इतिहास बदलने की बात करते हैं, अरे साहब जिससे वर्तमान नहीं संभल रहा हो वो इतिहास क्या बदलेगा। और जहां तक आजादी का सवाल है, हमारे मित्र सुशील भाई ने कहा कि एगो को पद्मश्री दिया गया है, कहती हैं कि आजादी भीख में मिला है। ठेठ बिहारी आदमी हैं, हमारे यहां एक बात कही जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर हम और बेगूसरैया भाषा में बोलें तो कहते हैं उसको बानर क्या जाने आदि का स्वाद। तो उस मुहावरे के तर्ज पे मैं ये कहता हूं, जैसे बानर क्या जाने आदि का स्वाद, वैसे संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो आजादी के लिए लड़ता है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जो उस विरासत से अपने आप को जोड़ करके देखता है, वो उसके महत्व को समझता है। आजादी की बात हम भी करते हैं, आजादी का नारा हम भी लगाते हैं, देश से आजादी नहीं चाहते, देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिस्टम का जो करप्शन है, जिसका जिक्र हमारे साथी सुशील ने किया कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल टिका हुआ था, अंग्रेजों को हमने भगा दिया, हमने जिनको अपना समझ करके कुर्सी थमाई, उन्होंने एक पुल बनाया, अंग्रेजों के पुल को तोड़ दिया, और उनका पुल अंग्रेजों से बहुत कम समय में धाराशाही हो गया है। हम इस लूट से आजादी चाहते हैं, और हम अपनी जिम्मेवारी ये समझते हैं कि अगर देश को कोई बेचने पे उतारू है तो हम बचाने वालों की हुजूम भी तैयार करेंगे। इसी जिम्मेवारी के तहत मैं आपके बीच में आया हूं, और आज हम आजादी के आंदोलन को इसलिए याद कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। और हमारा इतिहास यह है कि इस देश के भीतर तमाम तरीके के उतार चढ़ाव के बीच 1947 में जब देश को आजादी मिली, तो उस आजादी के आंदोलन के दौरान जो एक सामाजिक एकता बनी थी, एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि ये एकता हम बचा करके रखेंगे, दूसरे तरफ वो लोग थे जो कहते थे हम अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाएंगे। जो अपना हिस्सा लेकर के अलग हो गए, आज उनके नाम पर उनकी भाषा बोल करके हमारी एकजहदी को, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश खतरनाक है। जहां करुणा नहीं हो, दया नहीं हो, प्रेम नहीं हो, जिसमें दूसरों के दर्द से हम दुखी ना हो, वो क्या होगा। आज भगवान का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के जब इंसानों का खून बहाया जाता है तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, और ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरा नाम कन्हैया है तो ये मेरी जिम्मेवारी है, और खुले मन से मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूं, छोटा बड़ा, नुक्कड़ चौक चौराहा, बड़ी रैलियां, हर आंदोलन और हर संघर्ष से हमने ये संकल्प लिया है कि अगर देश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, इस देश की संविधान और उस आजादी की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए हंसते हुए संघर्ष को स्वीकार करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम बस आपसे उस नजरिए को बदलने का आग्रह कर रहे हैं
जिस नजरिए की बातचीत हमारे शकील अहमद खान साहब ने की कि आजादी यूं ही नहीं मिलती है, आजादी लीज पे नहीं है, आजादी भीख में नहीं है, भीख में पुरस्कार मिलता है, आजादी नहीं मिलती है। चापलूसी करने से पद मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है। सोच करके मुझे बताइए, ये इतनी आसान बात है कि मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, तिलक लगाने वाला, टोपी पहनने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? फॉर्चूनर पर चढ़ने वाला, साइकिल पे घूमने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? महल में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, डल्लब गद्दा पे लोटने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि आज इस मोबाइल के दौर में इंसानों को भी डेटा बना दिया गया है। लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं और ये गिनते हैं कि कितना लाइक हुआ है। इंसान नहीं गिन रहे हैं, नंबर गिन रहे हैं। हम नंबर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और ये जो आज हमको नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, 85% 15% ये नंबर है। और उस नंबर बनाने का जो साजिश है, उसका जो खतरा है, उसको हमको समझना चाहिए कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो सरकार नंबर गिन रही थी। ये नहीं कह रही थी कि घर में अगर एक कमाने वाला है, उसको कोरोना हो गया है, उसकी कोरोना से मौत हो गई है, तो पूरा का पूरा परिवार बिलख रहा है। वो एक नंबर नहीं है, उस इंसान के भीतर भावनाएं हैं, उस इंसान का वजूद है, उस इंसान का इतिहास है, उस इंसान की विरासत है, उस इंसान की पहचान है, वो एक नंबर नहीं है। वोटों के इस खेल ने, नोटों के इस खेल ने सिर्फ इंसानों को इंसानों से जुदा नहीं किया है, उनको नंबर बना दिया गया है। हमको नंबर नहीं होना है, हमको नागरिक होना है। देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो हमने अंग्रेजों से अपना देश इस शर्त पे वापस लिया था कि इस भूभाग पे रहने वाला हर इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो इस देश का नागरिक था, है और रहेगा, इस बात पे सहमति हुई थी। हमने जो संविधान स्वीकार किया, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार की, उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, सबके वोट बराबर किए गए, महिला पुरुष के वोट बराबर किए गए। आप सब इस बात को जानते हैं, आज भी आपके और हमारे घरों में महिलाओं के अधिकार बराबर नहीं हुए हैं, लेकिन संविधान ने महिलाओं का अधिकार बराबर करके रख दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा वोट एक है और मेरी माता जी का वोट आधा है, उनका वोट भी एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे भैया का वोट एक है और मेरी दीदी का वोट आधा है, ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा था कि चापलूसी से पद मिलता है, संघर्ष से अधिकार मिलता है। किसी भी सूरत में हमको संघर्ष नहीं भूलना है। और ये जो आज हमको मिला है, ये हमको लोगों की कुर्बानियों के बदौलत मिला है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कहानी पढ़ा करता था, परोपकारी वृक्ष। परोपकारी वृक्ष की कहानी यह है कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान एक आम का पेड़ लगा रहा था, तो एक नौजवान आदमी उससे पूछता है, करे साहब क्यों पेड़ लगा रहे हैं, आप तो मर जाएंगे, इसका फल भी नहीं खा पाएंगे। तो उस बुजुर्ग इंसान ने उस नौजवान को जवाब दिया, बेटा मेरे बाप दादों ने जो पेड़ लगाए थे उसका फल मैं खाया, मैं ये पेड़ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूं। सवाल जब हम उठा रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिस विरासत को बचाने की कोशिश की गई, जिन अधिकारों को सुरक्षित किया गया, उस अधिकारों को बचाना इसलिए जरूरी है कि उसका फायदा जो हमको मिला है, हमारी आने वाली पीढ़ी का ये हक है कि उससे ज्यादा फायदा उसको मिले, और वो फायदा उनको मिले, वो फायदा हम उनके लिए सुनिश्चित कर सकें,
ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है, वरना यह सवाल आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सिर्फ कारवां लूटने वाला जिम्मेवार नहीं होता है, कारवां लुटाने वाला भी जिम्मेवार होता है। और जब कारवां लुट रहा था तो आप क्या कर रहे थे? और मैं अपनी एक नादानी, अपनी एक बचपना आपसे साझा करता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त दूरदर्शन था, पूरे गांव में गिनती के पूरे मोहल्ले में दो टीवी हुआ करते थे, और उस टीवी पे दोपहर को 2:30-3 बजे एक सीरियल आया करता था। उस सीरियल का नाम था युग, जिसके टाइटल सॉन्ग में कहता था युग बदला बदला हिंदुस्तान। जब वो सीरियल में देखता था, एक दिन बड़े भोलेपन से मैंने अपनी दादी को पूछा कि दादी, जब गांधी जी देश के लिए लड़ रहे थे तो दादाजी क्या कर रहे थे? वो सवाल मुझे आज तक याद है, वो सवाल मुझे आज तक याद है। और मैं उस सवाल को याद करके ये सोचता हूँ कि कल को आपकी नस्लें भी पूछेगी कि जब देश लूट रहा था तो हमारे घर वाले क्या कर रहे थे। आपको ये तय करना है, जिनको देश बेचना है वो भाजपा के साथ जाएं, और जिनको देश बचाना है उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और मैं एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे यह आह्वान नहीं कर रहा हूं, आजादी का आंदोलन जिस पार्टी ने लीड किया है, आजादी के आंदोलन की जो विरासत है, उस विरासत के आधार पे जो संविधान की रचना हुई है, और उस मंत्रिमंडल की खासियत देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, वो इतने सहिष्णु थे कि उसी मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और आज एक आदमी बड़गोलेपन में खरीदे हुए मीडिया के सामने खड़ा होकर के कहता है कि आज की परिस्थिति होती तो संविधान नहीं लिखा जा सकता है, आज की परिस्थिति होती तो जो लोग संवैधानिक बात करने वाले लोग हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, आप UAPA लगा करके उनको जेलों में भर दिए होते। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के आजादी के आंदोलन का, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के संविधान का कि आप कहते हैं चलिए हम मान लेते हैं, आप कहते हैं कि हमने चाय बेची हालांकि हम आपको रेलवे बेचते हुए देख रहे हैं। अगर एक चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन पाया है तो ये वो विरासत है जिस विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये वो दोस्ती है जिस दोस्ती को हम कहते हैं रामप्रसाद बिस्मिल रसपाकुल्ला खान की दोस्ती, ये वो विरासत है जिस विरासत से हर किसी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई क्या ब्राह्मण क्या दलित क्या पिछड़ा क्या अति पिछड़ा क्या महिला क्या पुरुष, सबके अधिकार बराबर किए गए। और आज जब आपको उसको और आगे बढ़ाना था तो आप रोज नया नुक्स निकाल करके इंसान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मुझे यह लगता है कि गलती से किसी ने बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया हो, और वो उस तरह से कभी खुद का गाल काटेगा, सामने जो पड़ेगा उसका गाल काटेगा। आप हालत देखिए कि देश के अंदर हम कहां रह रहे हैं, टीवी आपका है, रिचार्ज आप कराते हैं, कितने आपके मुद्दे होते हैं, कितने मुद्दे होते हैं, बिहार का चैनल देखते होंगे ना, बताइए कि बिहार के कितने मुद्दे, आपके जिले के मुद्दे, जिस चैनल को आप दिन रात देखते हैं, 300 रुपया कितना का रिचार्ज होता है सुशील भाई टीवी में? 399। 400 रुपया खर्च करके जो आप टीवी देख रहे हैं, वो जो आपका सिवान का टूटा हुआ पुल है, दिखाया है कोई चैनल? दिखाया है कोई चैनल? फिर जो आपका मुद्दा दिखाना बंद कर दिया है, आप उसको देखना क्यों नहीं बंद कर देते हैं? क्या काम है भाई? अगर हम सरकार चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका काम है कि वो हमारा मुद्दा उठाएं, हमारी समस्याओं के ऊपर समाधान लेकर के आए। टीवी में दिन रात मुर्गा लड़ाई चलता है, और मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं
कि अगर मुझे किसी विरासत से जोड़ना है तो गांधी की विरासत से जोड़िए, मुझे गोडसे वादियों से मत जोड़िए। मैं अपना नाम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ लेना पसंद नहीं करूंगा जिसका काम है दिन रात नफरत फैलाना। यह मेरी मजबूरी है, मैं वो करना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कीचड़ में उतर करके कीचड़ से कीचड़ को साफ करने की कोशिश की जाए। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है, यह इंसानियत नहीं है। आपको कुत्ता काट लेता है तो आप पलट के कुत्ता थोड़ी काट लेते हैं। यह मजबूरी है। यह मजबूरी इसलिए है कि मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत रहो कि तुमको लोगों ने वोट दे दिया तो जिन मुद्दों के ऊपर तुमको वोट दिया है तुम उन मुद्दों पे काम ना करके दिन रात हिंदू मुसलमान करके समाज में नफरत फैलाओगे और तुमको कोई बोलने वाला नहीं है तो हम डट करके खड़ा है। हम बोलेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये नहीं है कि हमारी इबादत का तरीका क्या होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये नहीं है कि हमारी पूजा पद्धति क्या होगी। हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना मिलेगी सरकारी नौकरी। हमारी पीढ़ी का सवाल ये है कि 45 साल में, इस आंकड़े को याद रखिएगा, विपक्ष अगर एक झूठ बोले तो सीधा जेल जाता है। सत्ता पे बैठे लोगों का राज है, जो मुंह में आता है बकता है। 45 साल में पहली बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपको सुनकर के आश्चर्य नहीं होता है जब आप बड़े बड़े पोस्टरों पे लिखा हुआ देखते हैं, अब की बार 300 पार। नारा नहीं है, धमकी है, एक दो बार और भाजपा को जिता दीजिएगा ना तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर खरीदिएगा, इस बात को याद रखिए। वो अपना सीट नहीं बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल का भविष्य का दाम बता रहे हैं, अब की बार 300 पार। इस बात को समझिए कि आपके निजी जीवन में आप किन समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। मैं अपने साथी के घर पे गया, बीचों बीच बाजार में दिन में मच्छर जो है ना हिंदी का गाना गुनगुना रहा था आपके आ जाने से। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जिसके नाली के ऊपर ढक्कन है। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां जा करके अगर आपको मन में ये ख्याल आए कि सपोज करो कि कभी भूकंप आ जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस सकती है, एम्बुलेंस नहीं घुस सकता है। यहां डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, अभी कोरोना की स्थिति में हमने देखा है कि क्या हुआ है। सब कुछ ये अपने दोस्तों के हाथ में दे देना चाहते हैं। नारा लगाते हैं देश का और राष्ट्र की संपत्ति देते हैं दोस्त को। ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई, क्या आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? कोई इनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है? क्या आप देश का नाम लेते हैं तो देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? तो सरकार की तरफ से, सरकार नहीं कहती है, ऐसे ही आजकल तो 300 रुपया में रिचार्ज भी नहीं होता है। खाली मोबाइल रिचार्ज पे दिन भर जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहता है ना, पहले मैसेज भेजेगा फटाफट 100 लोगों को भेजिए, 10 लोगों को भेजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगला ही बार ऐसा मैसेज आएगा कि इंसान को इंसान आपस में बांट दो। इतिहास का ऐसा ज्ञान जो इतिहास है ही नहीं, झूठ का कचरा है। उनका तर्क ये आता है, घाटे में चल रही थी तो क्या मुनाफा कमाने के लिए बनाए हैं सरकार? अगर मुनाफा कमाने के लिए आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं तो फिर ये लोग क्यों सीधे अंबानी और अदानी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए? सरकारी संस्थान सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता है। सरकारी संस्थान सरकार होने का जो मतलब है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए होता है। अब सोच करके हमको बताइए, रेलवे नहीं होगा तो रिजर्वेशन कहां होगा? और रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? जब एफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा तो सरकार क्यों होना चाहिए?
सरकार अगर हमको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं देगी, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देगी, सड़क की फैसिलिटी नहीं देगी, सिक्योरिटी नहीं देगी, तो सरकार को हम टैक्स क्यों देंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इस देश में था, है और रहेगा, क्योंकि हमारी देश की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन अनुभव क्या कहता है? अनुभव तो यही कहता है ना कि अगर पटना यूनिवर्सिटी नहीं ठीक से काम करेगा तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं पढ़ाएगा, आपसे 10 लाख रुपया ले लेगा, लेकिन आपके बेटे को प्रधानमंत्री की तरह A+B का होल स्क्वायर नहीं पता होगा। आपका बेटा भी हो सकता है देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन इंजीनियर तो नहीं बन पाएगा। यह शिक्षा की हालत कर दी गई है। सरकार का काम है कि वो जनता से टैक्स लेती है, बदले में जनता को बेसिक सुविधाएं देती है, और जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट इलाज करा सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार इसलिए होती है कि वो अपनी योजनाओं को, जो जनता के लिए योजना है, उसको सरकारी संस्थानों में लागू कर सके। जब सरकारी संस्थान ही नहीं होंगे तो आयुष्मान भारत कहां लागू होगा? और आयुष्मान भारत में क्या होता है, कितने लोगों का इलाज होता है? यह हमारी आज की पीढ़ी की सवाल है। इस सवाल को गुमराह करने के लिए देश की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसको गुमराह करने के लिए इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। इसके लिए हमको एकजुट रहने की जरूरत है। किसी भी पहचान के आधार पर अगर कोई राजनीति हमको बांटेगी तो हम नहीं बटेंगे, और एक साथ हम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की विरासत की रक्षा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा कहते हुए धन्यवाद कहते हुए बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। राष्ट्रगान के लिए आप सब लोग। समय सिवान, आवाज आपकी।